चाहिए, पाव किलो 250 ग्राम उड़द का दाल और आधा किलो चावल। उसमें उसे कम से कम 2 से 3 घंटा अच्छे धो के भिगा के रखना पड़ता है। उसके बाद उनको थोड़ा नमक डाल के पीसना पड़ता है और फिर वो बैटर इतना फाइन पीस के, मीन्स आप पानी डाल के उनके पीस सकते हो, थोड़ा मीडियम बैटर रखना चाहिए, उससे पेपर डोसा बहुत अच्छा बनता है। आइए बनाते हैं आप अनियन उत्तपा। उसके लिए चाहिए हमें फाइनली चॉप्ड चिलीज और अनियन, उसमें सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर उसके बाद बैटर और ऑयल और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक फुल अनियन लिया है और 2 चिलीज बारीक चॉप्ड किया है। अब इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट, क्योंकि इसमें नमक नहीं रहता और उसमें हार्डली माइल्ड नमक रहता है बैटर में, तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे बराबर और फिर उत्तपम के ऊपर टॉस कर डालेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। तवा गरम है, स्टार्ट। अब तवा गरम है तो इसमें हम थोड़ा ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि नीचे से इजीली निकले, ओके। फिर अब हम थोड़ा बैटर डाल देंगे इसमें और बैटर को हम मूव नहीं करेंगे, मतलब जैसा है वैसे ही रखेंगे और फिर ये इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे ताकि वो अच्छे से सब जगह फैल जाए। हल्के हाथ से टैप करके छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा तेल साइड से ड्रिजल कर देंगे और थोड़ा ऊपर से, आप चाहिए तो इसको मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं, नहीं तो इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि ऊपर का जल्दी पक जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता नीचे से तब तक हम इसको टर्न नहीं कर सकते। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे थोड़ा टर्न कर सकते, तब तक ये थोड़ा कुक हो जाएगा ऊपर का पार्ट, ओके। अब ये जो है ना ब्राउन हो गया है साइड का और बीच में भी थोड़ा कुक हो गया है, जो स्लाइड बीच का रॉ है ना उसे अभी हम फ्लिप करेंगे ताकि अनियन भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और डोसा भी पूरा पक जाए, उत्तपा भी पूरा पक जाए। सॉरी, थोड़ा मीडियम फ्लेम में रख देंगे ताकि अनियन जले ना और अच्छा गोल्डन ब्राउन निकले, ओके। तो अभी ये कांदा थोड़ा स्मेल छोड़ रहा है और ये थोड़ा ब्राउन हो गया है शायद से, तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे वापस से। थोड़ा इसमें ऑयल बैक साइड पर डालेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी कोटिंग हो नीचे से, जिसको क्रिस्पी नहीं चाहिए वो मीन्स ऐसे ही निकाल सकते हैं, वो रेडी हो गया है। अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसे प्लेट डिश आउट कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। उत्तपा इज रेडी।